Hello everyone, praise the Lord. Very good morning. I'm happy that God has brought us together to meditate His word today. हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, आत्मिक नाश्ता में आप सभी को स्वागत है। आज भी हम सेंट पॉल ने लिखे रोमियो के पुस्तक 5 अध्याय उसमें 12 वचन को ध्यान करने वाले हैं। और यह वचन ऐसा लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु जब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हम ध्यान कर रहे हैं कि सिर्फ एक की मृत्यु से हम सबको पाप से मुक्ति मिली है। हम सब यीशु के पुत्र बन गए हैं, पर यहूदी लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। वे पूछेंगे कि कैसे एक की मृत्यु से सभी धर्मी बनेगा। उनके अनुसार मसीहा की ही उनको मुक्ति देगी, पर वे यीशु को मसीहा नहीं मानते। पर हम जानते हैं कि इस दुनिया में पाप सिर्फ एक मनुष्य के बात ना मानने के कारण आई थी। पाप का फल मृत्यु भी सब पर आ गए। इसलिए हम यह विश्वास करते हैं कि पाप हर मनुष्य के अंदर है, सभी पापी है। उसी प्रकार हमें यह भी विश्वास करना है कि एक मनुष्य के त्याग से हम सबको पाप से माफी मिलेगी। हम सबको स्वर्ग जाने का आशीर्वाद भी मिला है। इसलिए हमें सिर्फ उन पर विश्वास रखना है और अच्छे जीवन बिताना है, यह प्रभु महिमा आएगी। आज इस वचन सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे।